अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज मेरा चल रहा था क्लीनिंग का दिन। आई तो मैं इस नियत से थी कि आप लोगों के साथ अपने ईद के गिफ्ट शेयर करूंगी, लेकिन आके यहाँ पे जो मैंने डस्ट देखी तो उसको सारा क्लीन करना शुरू कर दिया। चूड़ियाँ किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो बचपन से जैसे मुझे चूड़ियाँ इकट्ठी करने का इतना शौक था, और मैं पहनती एक दिन, उसके बाद मैं इनको रख देती हूँ। एक ही दिन पहन के बाद में इनको मैं रख लेती हूँ, जमा करती हूँ, कभी कोई इवेंट हो तो पहनती हूँ। बहुत मज़े की, ये देखें, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये मैंने जस्ट $10 में बाय की थी। इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ $10 में। ये भी है, लेकिन नीचे इसका एक पीस मेरा पीछे गिर गया है, अब ये मूव करके निकलेगा। ये बैंगल का स्टैंड मैंने माइकल से लिया था, बहुत खूबसूरत स्टैंड है। ये देखें मेरी कलेक्शन, आप देखते जाएं। फैन चल रहा था पीछे, बहुत शोर हो रहा था, मैंने इसको बंद किया थोड़ा सा। साथ साथ मैं काम कर रही होती हूँ, साथ साथ मैंने ईयर पीस लगाया होता है, और मैं अपना कोई भी जो ड्रामा फेवरेट होता है वो देखती जाती हूँ। इस तरह से मेरा काम भी हो जाते हैं और फन भी हो जाता है, और मुझे यूँ लगता होता है जैसे हमें महसूस नहीं होता कि हमारा काम कब ख़त्म हो गया। अब ये इतना बड़ा मेरा ये सेट है, ये देखें, पाकिस्तान का, आई थिंक ये दो सेट हैं, और इसको अब एडजस्ट करना मुझे अब समझ नहीं आ रही इसकी क्या क्या सेटिंग थी। इसको तो मैं थोड़ा सा इसमें अभी रखती हूँ अपनी, ये मैंने रखी हुई है इसके ऊपर। और ये सारी सिल्वर चूड़ियाँ, और ये सिल्वर चूड़ियाँ, ये मेरी बहन की शादी की हैं, और मेरी बहन की शादी को 10 साल हो चुके हैं। ये देखें, ये इस तरह से सेट थे, बीच में ये पर्पल चूड़ियां थी, यूं ओफ अल्लाह नीचे गिरती जा रही हैं। इस तरह से ये सेट बना हुआ था, पर्पल कलर का मेरा ड्रेस था, उसकी मेहंदी पे मैंने पहना था, और ये उसके साथ मेरी चूड़ियां थी। और इससे मुझे ख़ास एक ऐसा भी लगाव है कि उस वक्त मेरी अम्मी ज़िंदा थी, अब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने मुझे सूट गिफ्ट किया था और सारी ये मैचिंग गिफ्ट की थी। लेके तो चूड़ियाँ मैं खुद ही आई थी, सूट उन्होंने खुद से मेरा मंगवाया था, बाय किया था मेरे लिए, मेरी चच्ची के थ्रू, मेरी चच्ची लेके आई थी उनकी डिमांड पे, और वो सूट भी मैंने आज तक रखा हुआ है अपना। मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी किसी दिन, मैंने उसको रखा हुआ है क्योंकि वो मेरी अम्मी की निशानी है। और मुझे ये भी याद है कि मेरी चच्ची बताती थी कि अम्मी ने बड़ी मुश्किल से उसको अप्रूव किया था, उसको जो है लाई थी जब, तो अम्मी पहले रिजेक्ट कर गई थी, फिर दोबारा एक लेके आई, तो फिर उन्होंने उसको अप्रूव किया, तो वो सूट मेरे लिए आया था। मुझे इसका भी दूसरा नहीं मिल रहा। इस तरह से ये मेरा सेट था, बड़ा ही खूबसूरत, और मुझे इसके साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव है। ये रहा, इसके साथ साथ ये भी मैंने बैंगल्स यहाँ से ली थी, ये वाली, यहाँ पे कुछ इंडियन ज्वेलरी शॉप्स में से मिलती हैं। जब मैंने ली थी, मेरी फ्रेंड्स ने पूछ के करके ना, उन्होंने भी ली, और बड़ी ही खूबसूरत इसमें बाद में वैरायटी और भी आई थी। मल्टी कलर्स की बैंगल्स हैं, किसी भी इवेंट पे आप पहने करें। और ये जो बैंगल्स हैं, इसके अंदर दूसरी बैंगल्स थी कांच की, वो टूट गई, तो ये मेरे पास अभी भी पड़ी हैं।
इस तरह से ये सिल्वर हैं। जब मुझे कुछ सिल्वर पहनना होता तो हमारे गोल्ड के तो सेट नहीं मैच करते उनके साथ, तो फिर मैं ये सिल्वर पहनती हूँ। लगी तो मैं ईद के गिफ्ट्स खोलने में लगी थी, लेकिन यहाँ पे आई तो मैंने देखा बड़ा डस्टी हुआ हुआ था स्टैंड। मैंने इसको जस्ट थोड़ा सा क्लीन किया और दोबारा से इसको सेट कर रही हूँ। और ये मेरी ही देखें कितनी खूबसूरत सी, ये भी चूड़ियाँ, ये भी एडजस्ट होने वाला है, लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ इतना लंबा काम यहाँ पे नहीं करती। यहाँ पे लाइक जो करना चाहती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊँ पहले। अभी इसको मैं जस्ट रफ ही थोड़ा सा रख देती हूँ। ये मेरी वही बैंगल्स जो कि मैंने अभी बताया आपको कि मेरी अम्मी की एक निशानी, और ये कुछ ये सेट की उसकी येलो की चूड़ियाँ हैं। उस येलो सेट काफ़ी बड़ा है। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई मेरी सिस्टर काफ़ी यंग थी मुझसे, तो वो कहती अम्मी आप ही को आप इतनी चूड़ियाँ लेके देती हैं, मुझे नहीं लेके देती। तो अम्मी बोलती हैं कि वो तो संभाल लेती है, तुम तोड़ देती हो। तो मेरी हैबिट होती थी कि मैं ईद के दिन पहनती थी, पहन के उतार के रख देती थी, और फिर मैं दोबारा से ईद वाले दिन ही कोई और नया ले लेती थी, या कोई शादी ब्याह आता था तो उस वक़्त ले लेती थी। इसके साथ साथ मैं चले आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये मेरा यहाँ से मैंने ख़रीदा था, लेट मी मूव हियर। ये ज्वेलरी बॉक्स मैंने यहाँ से एक मेले में ख़रीदा था, और अभी तो ये खाली पड़ा है। पहले मैं इसको बहुत यूज़ करती थी, अभी तो मैंने इसको जस्ट डेकोरेशन के तौर पे रखा हुआ है। ये देखें, आउच, ये बहुत ही खूबसूरत था। इसमें आप चूड़ियाँ रखें, ये खोल के इसके अंदर ज्वेलरी रखें, नीचे रखें, और ये देखें कुछ मेरी ये जो चेन होती है ना, वो गोल्ड के लॉकेट सेट्स के साथ वो पड़ी हैं। मैं इनमें चीज़ें रखती होती थी, जैसे छोटे छोटे लॉकेट सेट हो गए, रिंग्स हो गई, इसमें बैंगल्स हो गई, ज़्यादातर गोल्ड की रख लेती थी। लेकिन आजकल गोल्ड जो है सारा हम लोगों ने बैंक में रख दिया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी कुछ चोरियाँ होनी शुरू हो गई हैं। तो मैंने सारा ही गोल्ड जो है ना वो बैंक में रखा हुआ, बस जब ज़रूरत होती है थोड़ा सा निकाल के लाते हैं हम, पहनते हैं, और कोई छोटी छोटी चीज़ ही रखते हैं, और अगर घर खाली हो सारा दिन तो उसको साथ ही ले जाते हैं अपने। एक ये ईद का गिफ्ट था मेरा, ये मेरी बेटी के लिए था, बहुत ही खूबसूरत कुर्ता जे डॉट का। ये देखें, ये इसका गला, ये इसके बाजू, समर का ड्रेस है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा जाना, इसके साथ साथ फ्रेंड ने जिसने ये कुर्ता दिया था उसने मुझे ये ज्वेलरी का सेट दिया था। खूबसूरत सा ज्वेलरी का सेट, ये इसके बुंदे, ये इसकी बिंदिया, ये भी बुंदा, ये रहा। और बड़ी अच्छी पैकिंग थी उसके पास, बहुत ही यूज़फुल है, तो मैं ये रखती हूँ साइड पे। और एक ये मैंने आपको दिखाया था अपने व्लॉग में, एक ये गिफ्ट था मेरा, ये आप लोगों ने मेरे जिन्होंने पिछला व्लॉग देखा होगा उसमें ज़रूर देखा होगा। और ये मैं जहाँ जाती हूँ ना तो ज्वेलरी मैंने पहनी होती ज्वेलरी वो मैं पार्टी ख़त्म होने से पहले अपने बैग में रख लेती हूँ। तो मैंने ये जिसके घर जिसने दिया था उसके घर पे ही अफ्तारी थी, तो मैं वहाँ पे पहन के गई थी, और मैंने उतार के एज़ यूजुअल उसके अंदर रख लिया। मेरी सारी फ्रेंड्स जानती हैं मेरी इस आदत को, तो वो लोग मजाक भी करती होती हैं कि बस इसकी उठा लो चीज़ें ना दिया की,
इसके साथ साथ थे बहुत सारे गिफ्ट्स जो के मामू की तरफ से थे, मामू की फैमिली की तरफ से। अब ये जो गिफ्ट थे ये देखें, बहुत खूबसूरत सा स्वेटर, ये मामू और उनकी फैमिली लाई थी मेरी मम्मा के लिए, साथ में ये परफ्यूम था बच्चों के लिए और मियाँ के लिए। और परफ्यूम तो उन्होंने फटाफट खोल लिया क्योंकि मेरे जो तीनों मेल हैं ना वो बहुत क्रेजी हैं इन चीज़ों के। इसके साथ साथ मैं अब साइड पे रखती जाती हूँ, बाद में इसको समेटूंगी। ये था ड्रेस बेटी का, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था। ये देखें आपको मैं अभी इसको हैंगर पे लगा के ना हैंग करके दिखाती हूँ, इस तरह से पता नहीं चलेगा। शॉल थी मेरे लिए, खूबसूरत सी गरम शॉल, ये देखें। ओहो डिजाइनिंग तो ज्यादा इधर है, इधर वाली में लगाती हूँ फोल्डिंग। फिर इसके साथ साथ में था बहुत ही खूबसूरत सूट, ये उसका ट्राउजर और ये उसकी शर्ट। सफायर का सूट था, बहुत प्यारा सूट, ये देखें सफायर फैंसी टू पीस था। मैं इसको भी हैंगर पे लगा के आपको दिखाती हूँ। देखें इसकी बैक बहुत ही खूबसूरत थी, बाजू। अब इसको ना हैंगर पे लगा के आपको मैं इसको दिखाती हूँ, फिर आपको इसकी सही लुक नजर आएगी। चले आप लोगों के साथ शेयर करूं, ये ड्रेस था, थोड़ा सा बड़ा साइज था मेरी बिटिया के लिए। ये देखें बैगी स्टाइल नहीं होता था, एक बहुत छोटे थे हम तो जर्सियां चलती होती थी बैगी स्टाइल की, ये बिल्कुल वही बैगी स्टाइल था। देखें इसमें कोई जोड़ नहीं था इसका सिलाई का, और ये उसके थोड़ा सा खुला है लेकिन स्टाइल समर में पहना जा सकता है, बल्कि थोड़ा सा क्या अच्छा खासा खुला होगा, मेरे भी फिट आ जाएगा। तो देखते हैं कौन इसको इस्तेमाल करता है, मैं करती हूँ कि वो इसको मैं किसी भी ट्राउज़र के साथ पहन सकती हूँ। ये सफायर का सूट और उसका ट्राउज़र बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये इसकी पहले आप बैक देखें, बैक पे मोटिव बना हुआ है, और ये देखें बाजू बीट्स लगे हुए हैं इसकी। अब मैं आपको फ्रंट भी दिखाऊं, ये देखें बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट था, बहुत ही प्यारा। मैंने उसी तरह से रखा हुआ था पैकिंग में, काफ़ी मैं बिज़ी रही, मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने आगे भी गिफ्ट्स कुछ शेयर किए थे तो ये वाले गिफ्ट्स भी शेयर करूंगी। कुछ घर की चीज़ें थी इसके साथ साथ, एक एनवलप था जिसमें ईदी थी बच्चों की, और ये बेटी का कुर्ता जे डॉट का जो के आया फ्रेंड के घर से, बेटी की फ्रेंड है उसकी और वो खुद माँ जो है मेरी फ्रेंड है, तो माशाल्लाह से बच्चों का बहुत छोटा सा बचपन का साथ है। और ये रही जर्सी, और ये थी ईदी बच्चों की, जिस फ्रेंड ने दी थी उसने बोला कि समझ नहीं आई कुछ क्या लूं, तो बस ईदी दे दी बच्चों की। अब मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या था। ये कुछ बैग्स थे मेरे पास, कुछ कपड़ों के पड़े हुए,
तो मैंने उसके अंदर जो है शॉल को इस वक्त पैक कर दिया, क्योंकि मुझे जब ज़रूरत होगी मैं निकालूंगी, वरना गर्म कपड़े को आपको पता है समटाइम जो है वो कट लग जाता है, कीड़ा पड़ जाता है। आज के व्लॉग में थोड़ा सा आपको शोर चीज़ों का सुनेगा। मेरी एक मिस्टेक हुई कि मुझे माइक लगा लेना चाहिए था वॉइस कैंसलिंग वाला, लेकिन मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा पैकिंग का शोर होगा। लेकिन मैं दोबारा से इसका वॉइस ओवर नहीं करना चाह रही थी, मुझे ये सारी बातें जो अपनी नॉर्मल रूटीन की थी वो अच्छी लग रही थी, क्योंकि वॉइस ओवर से ज़्यादा मुझे इस तरह की ओरिजिनल जो रिकॉर्डिंग अच्छी लगती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरा सांस भी फूलता हुआ आपको महसूस हो रहा होगा, क्योंकि मुझे थोड़े से ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा।